हाँ, मैं बना रही हूँ अचार। दो आदद मैंने ले ली केरी, और साथ में जी अचार का मसाला बहुत मज़ेदार। इसके अंदर नमक भी ऐड होता है, ठीक है। ये किसी भी परचून की दुकान से आपको मिल जाएगा खुला, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाइए, मैंने ऑयल ले लिया 1 पाव, और इसे मैं अचार बनाकर आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला जिसके घर में रिक्स नहीं है, अल्लाह ताला रिक्स अदा करे, रहमतें अदा करे। परवरदिगार जिन बेटियों के शादियाँ नहीं हुई उनकी शादियाँ हो जाएँ, उनका नसीब अच्छा करे, और इच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएँ, वो अपने घर की हो जाएँ, ठीक है जी। एक माँ की यही दुआ होती है। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार वाला जो है ना अचार बन रहा है केरी का, क्योंकि मौसम हो गया है। इस मौसम में जो ना अचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं वो नहीं बनाती जो महीनों पड़ा रहता है और फिर वो जो ना 1 महीने के बाद 1 हफ्ते के बाद खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं जो ना भून के बनाती हूँ केरियों से अचार, तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, हर साल मेरे यहाँ बनते हैं। लेकिन मैं ना थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, इसलिए कि फिर बच्चे ना ज़्यादा अगर बने ना तो वो गला ख़राब हो जाता है मेरे बच्चों का, तो इस वजह से जो, ठीक है जी। मेरी वीडियो को जो ना आप लोगों ने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। जो चैनल पर नए हैं मेरे, उनसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना लाजमी किया करें, ठीक है जी। और जो है बस इस तरह से ना गर्मियों के दिन होते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज जो है ना अचार बनाया जाए। तो देखते हैं आपकी दुआओं से कि मैं कैसे जो है ना अचार बना रही हूँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने जो है ना दो आदद करी ले ली थी, और ये है जी अचार का मसाला, और ये जो है यहाँ पर रख दिया था मैंने, क्या कहते हैं इसको, इसमें पकाएंगे हम लोग, ठीक है। और साथ में जी है तेल, ठीक है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। ज़्यादा ले लीजिएगा तेल, क्योंकि जब तक ये डिप ना हो ना केरियाँ, तो खाने का मज़ा नहीं आएगा अचार में ख़ास तौर पे, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम काट लेते हैं, ठीक है, बारीक बारीक हम लोगों ने काट लेना। जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे वैसे आप कटिंग कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। तो ये देखें, ऐसी ले लीजिएगा जिसकी ना गुठलियाँ जो होती ना पक्की भी ना हो, ठीक है, ऐसी ले लीजिएगा केरियाँ, और बहुत मज़े की बनती हैं ये। गुठलियाँ आप लोगों ने निकाल लेनी है इस तरह से, ठीक है। और ये है भर के मसाला, ये मैंने ले लिया था पंसारी, इसके क्या कहते हैं उसको, ये जो शॉप होती है परचून की दुकान से ये बासानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से आपको अपने इसको काट लेना है, ठीक है। जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे वैसे आप कटिंग कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो इस तरह से कटिंग करूँगी इसकी, ठीक है। और बहुत मज़ेदार जो ना ये केरियाँ इसका बनता है अचार, तो यकीन करेंगे आप, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसकी भी हमने गुठली जो है निकाल देनी है। चले, एक होती है ना सख्त केरियाँ, वो मत ले लीजिएगा, ठीक है। एक होती है नरम नरम, तो ये देखिए ये खट्टी मीठी होती है बहुत मज़े वाली ना, तो ये ले लीजिएगा, ठीक है। इसकी गुठली भी है, वो निकाल देते हैं। गुठली जो होगी ना वो आप निकाल दीजिएगा, गुठली जो ना वो ऐड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी केरी है, तो इसलिए मैंने इसको दो शेप दे दूंगी, ठीक है ना। ये देखें, तो इसमें से हमने कटिंग कर देनी है, और इसमें से गुठली है ये निकाल देनी है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने, और जी ये रोटी के साथ खाएं, और चटनी के, चटनी जो होती है वो भी बड़ी अच्छी लगती है, और दाल चावल जब बनाएं आप, खिचड़ी बनाएं उसके साथ भी आप खाएं, तो बहुत मज़े का ये अचार लगता है, ठीक है जी। तो बस अभी ये हम काट लेते हैं, चलो ये देखें जी, ये सारी मैंने काट ली हैं, ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल हमने इसमें, सरसों का तेल आप ले लीजिएगा, ठीक है, ये सरसों के तेल में ही जो अचार बनता है, इसके अलावा आप बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है जी।
ये एक पाव जो था सरसों का तेल, और इसको हमने अच्छी तरह से जो ना इसको पका के, ताकि इसकी जो कैसेल होती है वो हम काल देंगे, ठीक है। इसको हम पकने देते हैं। देखिए ऑयल जो था वो पक चुका है, और जो ना देखे बिल्कुल भी इस पर झाग जो थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब हल्की आंच हम लोगों ने कर देनी, ज़्यादा तेज़ आंच में हमने नहीं बढ़ाना इसे। ठीक है, ये देखिए हल्की आंच मैंने कर दी है, इस पर तेज़ आंच पे हम नहीं बनाएंगे इसे, ठीक है जी। आपने क्या करना है, पहले आपने केरियाँ ले लेनी है, इसको आपने खुश कर देना, केरियाँ इसमें डाल देनी है। इसमें लहरा पाने रहेंगे, ये देखिए, और ये इतने मज़े की बनती है ना, ये अचार कभी बनाएं आप तो खुद बोलेंगे आप वाकई बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार, ठीक है। और इसको ये जो पका हुआ चाह रहे हैं ना इसको फ़ौरन आप खा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि इसको रख दें आप एक हफ्ते के बाद आप खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए केरियाँ जो ना पक रही हैं, ये देखें मैं दिखाती हूँ अभी आपको, देखें ये ना केरियाँ, ये पका हुआ जो होता है ना अचार, ये जो है ना फ़ौरन ही आप जो ना पकाएँ और बस खाएँ, इसका ये है, ठीक है। क्योंकि इतना मज़े का बनता है ना ये आप अगर चाहें तो इसमें हरी मिर्चें होती हैं अचार की वो भी ऐड कर सकते हैं, लसूड़े होते हैं उनको आप बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लहसुन होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, आपका जैसा दिल करे वैसे आप इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐड नहीं की थी, मैंने खाली केरी बनाई है, केरी की जो ना ये अचार बना रही, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ये मसाला, ठीक है जी। ये मसाला हमने बहुत सारा लेना है, तो आप ना परचून की दुकान वाले को बोलेंगे ना अचार का मसाला, तो वो आपको दे देगा, ठीक है जी। और इसको बोलेगा कि नमक भी ऐड कर दे, तो इसमें नमक भी ऐड कर देगा वो, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही जब भी जाती हूँ ना परचून की दुकान वाले को बोलती हूँ कि भाई इसमें नमक भी ऐड कर देना, तो ऐड कर दिए वो कर देता, तो फिर ना हमें आसानी रहती है, ठीक है। ये भी हमने ऐड कर देना, ये देखें कितने मज़ेदार वाला जो है ना, ये देखें बस 2-3 मिनट के लिए ना हमने इसको जो ना फ्राई करना है। बस ऑयल जो है ना इसका आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा होना चाहिए, देखिए मैंने ज़्यादा लिया ऑयल, ऑयल ये देखिए इसके ऊपर आ जाएगा अभी ऑयल, ऑयल ना ये देखिए इसमें पानी नहीं है, ऑयल है खाली है, तो इतना आप जो ना इसमें रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा अचार के अंदर हमेशा जो है ना ज़्यादा ऑयल होता है तो अचार अच्छा लगता है, ठीक है जी। कम होगा ना तो मज़ा भी नहीं आएगा खाने में, और जी जब ये भीग रही होती है ना इसके अंदर डूब रही होती हैं केरियाँ, तो फिर ये और खाने में मज़ा आता है, ठीक है। ये देखें जी 2-3 इतनी सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है ना मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़ेदार वाली, बहुत मज़ेदार वाली। मैं भी जो अभी जो ना मैंने बनाई है खिचड़ी, और सब बच्चे जो ना बस ये जी झटपट में तैयार हो गया, अब इसको हम कर देते हैं बंद, ठीक है जी। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तो जी अब अचार जो है ये डाल के आपको डिश आउट में कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसे मज़े का अचार, ये देखें आ गया ना मुँह में पानी, ये देखें। कोई भी आपको जो है ना एक एक महीना एक एक हफ़्ता जैसे हम अचार डालते हैं तो धूप में उसको सिखाना पड़ता है, बहुत दिन तक रखना पड़ता है, तो अपने घर में आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार वाला, ठीक है जी। और अभी ये आपको मैं दिखा रही हूँ इसलिए कि फिर आपको पता चले कि जी अचार मैंने कैसा बनाया है, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आएगी। तो गर्मियों में ये बनता है अचार मेरे यहाँ, सर्दियों में भी खा सकते हैं लेकिन गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं। तो जी ये है मर्तबान, इसमें मैं निकाल के डाल देती हूँ, ठीक है जी। आपके घर में भी कोई भी बोतल है उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए, खाएँ पिए मौज करें, क्योंकि यही है ज़िंदगी। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।